देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, थ्री फोर्थ ऑफ अ नंबर इज 60। किसी नंबर जो है उसका थ्री फोर्थ, ठीक है, किसी नंबर का थ्री फोर्थ जो है वो इज अ 60 मोर देन इट्स वन थर्ड। उस सेम नंबर का वन थर्ड से 60 जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पे हमें वो नंबर पता नहीं है और हमें वो नंबर ही फाइंड करना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे वो नंबर जो है वो है एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, थ्री फोर्थ ऑफ अ नंबर, उसी नंबर का थ्री फोर्थ, थ्री फोर्थ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 60 मोर देन इट्स वन थर्ड। उसी नंबर के जो वन थर्ड है उससे 60 ज्यादा है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यू को इस साइड ले लेते हैं। सो थ्री फोर एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस है, इस साइड आ जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, वन थर्ड एक्स इज इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सो एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। सो यहाँ पे 12, अब इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, सो 12 करने आ जाएगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 9x, 3 मल्टीप्लाई बाय 3x, सो 9x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1x, सो 4x इज इक्वल टू 60, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, सो 5x इज इक्वल टू 60। अब ये जो 12 है यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 5 है यहाँ पे चला जाएगा, सो डिवाइड हो जाएगा 5, 60 को काट देते हैं, सो 12, सो एक्स इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 144। अगर स्टूडेंट आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया गया है, आप अपने डाउट जो है मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं वहां पे भी आपका जो भी डाउट है वो सॉल्व कर दूंगा, ठीक है।